जब तो लाइए मां शक्ति आचार्य चंद्र कुमार के मांगे 9 9 9 ट्रिपल 9 एक कम एक वाह हजार। आज का दिन है मंगलवार तारीख 3 सितंबर 2024 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे सर जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेट टैक्स हैं और आपका जो विषय चला है श्रीमद भागवत का तृतीय स्कंध का वक्तव्य 4 जिसमें विशेष रूप से ले रहे हैं कपिल देव होती संवाद। आप जाते समय लेते आदरणीय एन के साहब से निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय पांडे साहब के विषय में कहें। आदरणीय साहब बहुत बहुत धन्यवाद शर्मी शर्मा जी, आपने एक बार पुनः मेरे को अवसर दिया है कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति के बारे में, एक जो बोध को प्राप्त व्यक्ति है, जिसको शास्त्रों का भी ज्ञान है, वेद का भी ज्ञान है, पुराणों का भी ज्ञान है, गीता तो उनको कंठस्थ है, और किसी भी संदर्भ में कहीं से भी कुछ भी उठा लीजिए, गीता में उनके पास कोई ना कोई श्लोक हाजिर होता है और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके देते। ऐसे व्यक्ति के विषय में कुछ भी कहना लगता है कि यार कुछ कमी रह गई है उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने, देखिए आपने उनका इंट्रोडक्शन कराया है कि एडिशनल कमिश्नर सेल टैक्स है, पता नहीं कब से इन्होंने गीता पढ़नी शुरू की, कब से इन्होंने दूसरी पुस्तकें पढ़ने की, वो स्कूल के टाइम से तो उन्होंने बताया था कि वो सरस्वती स्तुति पढ़ा करते थे, तो जिससे कि इनकी विद्या में और पारंगत हुए विद्या अर्जन के क्षेत्र में। तो जो शुरू से शास्त्रों के साथ चलता रहा हो अपने बचपन से ही, अपने विद्यार्थी जीवन से ही, उसको, उसके लिए तो शास्त्र कह लीजिए, श्लोक कह लीजिए, संस्कृत कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, वो तो अपने जीवन का एक हिस्सा है और वो हमको उस ज्ञान के से कहना चाहिए, उस ज्ञान का एक हिस्सा हम लोग के साथ बांटते हैं और बार बार आते हैं हमारे साथ और बड़े अच्छे से समझाते हैं। आजकल भगवत श्रीमद् भगवत गीता का प्रकरण चल रहा है और आज स्कंद तीसरे का चौथा प्रकल्प है, जिसमें कि वो कपिल और देवहूति उनकी संवाद के विषय में बताएंगे। कल उन्होंने बताया था, बड़ा अच्छे से समझाया था कि कैसे उत्पत्ति हुई संसार की, और आज उसके आगे कपिल मुनि और देवहूति जी के बीच का जो संदर्भ है, उनके पीछे वार्तालाप का, उसके विषय में बताएंगे। हम करबद्ध होकर पांडे जी का आज के उद्बोधन के लिए स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वारि देव सवितर दुरितानि परा शुभ यद्भद्रम तन्न आ शुभ ओम अग्ने नयसु पथारा ये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को बुराइयों को आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं, आप सन्मार्ग पर ले चलते हुए हमें समृद्धि प्राप्त कराएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सदैव की भांति आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार, उनका बहुत वंदन, और आप जितने भी प्रबुद्ध श्रोता सप्तऋषि मंडल की तरह से लगातार इस स्वाध्याय सत्संग में जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज विशेष रूप से जो संख्या है 999, वो भी भाई संयोगवश भी है, महत्वपूर्ण भी है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, जब 888 का वक्तव्य था तब भी मेरा वक्तव्य हुआ था। तो ऐसे तो ये संयोग है, लेकिन संयोग मेरे साथ ही हो रहा है तो मुझे अपने बारे में विचार करने का अवसर मिलता है।
जो न्यूमरोलॉजी से संबंधित हैं या मानते हैं या जानते हैं, तो 888 के समय मैंने ये बताया था कि 888 जो है वह समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, खूब ज्यादा समृद्धि का परिचायक है। लेकिन जब मैं 999 के बारे में देखा, तो आज के जिस मोड़ पर हम कथा को लेके आए हैं, ये 999 ठीक उसी के बारे में उतरता है। पहले तो श्री अरविंद शर्मा जी का अथक परिश्रम इसमें है, ये कोई साधारण बात नहीं है कि आप 999 तक अपने यात्रा को ले गए हैं। लेकिन ये देखिए कि 999 संख्या बताती क्या है। जब न्यूरोलॉजी का मैंने इसमें अध्ययन किया, तो ये कहते हैं कि ये एंड ऑफ ए फेज ऑफ ए लाइफ, जीवन के एक हिस्से का अंत, लेकिन उसी के साथ लिखा कि बिगिनिंग ऑफ ए न्यू फेज, दूसरे फेज की शुरुआत। और ऐसा ही नहीं, स्पष्ट रूप से न्यूमरोलॉजी में लिखा कि स्पिरिचुअल एनलाइनमेंट, आध्यात्मिक आपकी अचीवमेंट होगी, प्राप्ति होगी, आपको जागृति होगी। और वहां पर एक और बात लिखी, दिस 999 इज ए साइन ऑफ यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग। ये चांस की बात है, संयोग की बात है कि हम ब्रह्मांड के बारे में ही कई बार से बात कर रहे हैं, विराट पुरुष की ही बात कर रहे हैं, सृष्टि की ही बात कर रहे हैं। और इसमें यह भी लिखा कि न्यू अपॉर्चुनिटीज, और यह भी 999 के बारे में लिखा है कि लेटिंग गो ऑफ पास्ट, जो भूतकाल है उसको भुला दीजिए, मतलब जो हो गया हमारा समय जैसा भी बीता, भगवान की कृपा, उसको भुला के जो प्रोसेस चल रहा है, जो वातावरण, जो प्रक्रिया चल रही है, उस पर विश्वास करना चाहिए। तो हमारी जो प्रक्रिया आध्यात्मिक उन्नति की या वार्तालाप की, सत्संगति की चल रही है, उसको स्वीकृति देने के अनुभव और व्यक्तिगत जो आपके विकास है, आनंद है, उसके बारे में ये डिनोट करता है 999। तो मैं अपने ऊपर उतारूं या इस विषय के ऊपर उतारूं या संयोग के ऊपर उतारूं, तो वास्तव में मुझे लगा कि ये जो कुछ लिखा 999 के बारे में, वो आज के संदर्भ में, अब के वक्तव्य के संदर्भ में, या आज तक की यात्रा के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो मैं इसमें जो अथक परिश्रम अरविंद शर्मा जी का है, उनको मैं फिर धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और अपनी जो विषय है श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भगवत गीता अलग है, श्रीमद् भागवत पुराण, इसके संबंध में जो वक्तव्य मैं दे रहा हूं तृतीय स्कंध का, किसके संबंध में जब मैं प्रवेश करूं, उससे पूर्व में जो प्रतिपाद्य तत्व भगवान जो श्री कृष्ण है उनको, और जो श्रीमद् भागवत पुराण के वक्ता हैं सुखदेव जी को, उनको मैं प्रणाम करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवो अभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। ओ तो प्रबुद्ध श्रोतागण, पिछले वक्तव्य में हमने जो छोड़ा था वह इस बात पे छोड़ा था, कपिल भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लिया ऋषि कर्दम के यहाँ, ऋषि कर्दम उनकी आज्ञा से उनको अच्युति करके चले गए। तो माता देवहूति ने जब ये इच्छा प्रकट की कि अब मेरा क्या होगा, मेरा मोह कैसे दूर होगा, तो माता देवहूति ने जो प्रश्न किए वहां पर हमने छोड़ा था। प्रश्न दोबारा से संक्षेप में समझ लें, बहुत ही सामान्य व्यक्ति के हैं ये जो कथानक हैं, शास्त्र हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे अज्ञानी लोग जो संसार के चक्र में भ्रम में पड़े हुए हैं, इन्हीं को जगाने के लिए, इनको रास्ता, हम जैसे को रास्ता दिखाने के लिए ही इस तरह के प्रश्न और उत्तर करके कथानक हमारे सामने शास्त्रों ने प्रस्तुत किए हैं।
ये चीज ये भी समझ में आती है कि जो समस्या हमारे सामने है संसार से मुक्त होने की, अध्यात्म की, वो समस्या या वो बात या वो विषय वो हमेशा ही सा रहा। तो देवती माता ने ये कहा कि देखो मैं बहुत सैकड़ों साल तक विषय का भोग कर चुकी हूं, अब मैं ऊब गई हूं, इस अज्ञान के अंधकार में पड़ी हुई हूं, मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो गई, जन्म बंधन से मुक्त होना है, तो अंधकार से कैसे मुक्त होगा? तो इसमें देखिए आदित्य वर्णम तपसः परस्तात, जो ज्ञान है ये श्वेता श्वेतर उपनिषद का एक मंत्र का हिस्सा है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, उस भगवान के तत्व को जान लेने पर आदित्य वर्णम इतना प्रकाशमय है कि हम अंधकार से निकल जाते हैं। तो यह अज्ञान रूपी अंधकार उस तत्व को परम तत्व की जानकारी से समाप्त होता है, एक बात। दूसरा कि मैं और मेरे का जो बंधन है वो माया के द्वारा कराया गया है, मां ने ये कहा कि आप इसको हमसे मुक्त कीजिए और मैं आपकी शरण में हूं। उसके साथ दूसरी बात ये कही कि प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हमको प्राप्त कराइए। अब यहां से यहां तक हमने वक्तव्य कर दिया था पूरा, इसके बाद आगे शुरू करते हैं। भगवान कपिल ने जब ये मां के बारे में सुना तो एक भूमिका बनी, अपनी बात कहने से पहले उनकी प्रशंसा भी की और एक भूमिका बनाई और एक संदेश दिया हम सब लोगों को। क्या संदेश दिया कि माता मेरा यह निश्चय है, भगवान कपिल कहते हैं कि मेरा यह निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। जो चर्चा हम लोग करते हैं अध्यात्म की तरह तरह से, उसके बारे में उन्होंने पहले बता दिया कि भाई देखो कल्याण होगा तो आध्यात्म योग से ही होगा। और ये भी कह दिया कि जो पहले ऋषि थे जो मानस पुत्र हुए उन सबको मैं सुना चुका हूं, आपको मैं पिछले वक्तव्यों में ये बता चुका हूं कि चतुश्लोकी भागवत के रूप में नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह उपदेश दिया था, नारायण ने चतुश्लोकी भागवत के रूप में यह उपदेश किया था। तो भगवान यहां पर ये कहते हैं कि मैं उस ज्ञान को पहले बता चुका हूं, हे माता अब मैं आपको शुरू करता हूं। बहुत साधारण सी बात से शुरुआत हुई। ये देवहूति कपिल का संवाद 9 अध्यायों में है, यहां 25वें अध्याय से लेकर 33वां अध्याय हमारा ये स्कंध समाप्त हो जाएगा, तो 9 अध्यायों में है, बहुत विस्तार से जो भी है बड़ा रुचिकर है। और श्रीमद् भागवत पुराण ऐसे शास्त्र तो प्रत्येक चीज की महत्वपूर्ण है, फिर भी उन महत्वपूर्णों में से भी अगर कुछ प्रकरण छाटे जाएं तो कपिल देवहूति का संवाद पढ़ने योग्य है, मनन करने योग्य है, धारण करने योग्य। इसमें यह विशेषता है, इस प्रकरण में आगे आएगा, आज तो मैं शायद वहां तक न पहुंच पाऊं, कि ये तो बता दिया सिद्धांत के रूप में सब जगह ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वह भी भगवान के इस कपिल देवहूति संवाद में बताई गई। चलिए कहां से शुरुआत करते हैं। उन्होंने ये कहा कि चेता खलु अस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, इसका अर्थ ये हुआ कि यह जीव जो हम हैं बंधन और मोक्ष का कारण मन है। कितनी सरल बात है, बार बार हम कहते हैं मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षे हो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण। हमको ये लगता है कि शास्त्र बार बार एक ही बात कहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए कहते हैं कि वो बात जमनी चाहिए, तरह तरह के पात्रों के मुख से कहलाते हैं। यहां पर कपिल जी के मुख से शुरू में यही कह दिया कि मन जो है यही बंधन और मोक्ष का कारण है। एक बात और, जो विषयों में आसक्त होता है तो बंधन का कारण होता है, और जब ये मन परमात्मा में लग जाता है तो मोक्ष का कारण होता है। मन का कमाल देखिए कि हमको केवल डायरेक्शन उसकी चेंज करनी है, दिशा बदलना है,
और जब यह मन में मेरे जो मेरापन है काम क्रोध लोभ इनसे मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो सुख दुख से छूट के समावस्था में आ जाता है। ये तो इतनी मन के बारे में बात कही। अब जब मन समावस्था में आ जाता है तो कपिल जी अपनी माता से कह रहे हैं कि हे माता, ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त तीनों बातें देखिए जो शुरू से सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत के इस प्रकरण को आप याद कर लीजिए, भक्ति और ज्ञान वैराग्य के बारे में शुरू से चलता है। तो यहां पर फिर यही कहा कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को जब प्रकृति से परे हम मान लेते हैं, भेद रहित सूक्ष्म अखंड उदासीन जब देख लेते हैं तो प्रकृति तो उसके लिए शक्तिहीन हो जाती है। और मुख्य बात, योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा हरि भगवान जो है वो सब जगह दिखाई पड़ते हैं, विवेकी अचेत्य बंधन हो जाते हैं, सब जगह दिखाई पड़ते हैं। जब ये स्थिति आने लगती है कि उसे परमात्मा के प्रति आसक्ति होती है तो वो जो आसक्ति है जब महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। दोबारा से संक्षेप में अगर समझें तो जहां तो ये कहते हैं आसक्ति है भाई हमारे बंधन का कारण है, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए जब हम आसक्ति हो जाती है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है क्योंकि हम महापुरुषों का साथ इसमें करने लगते हैं। यहां पर बड़ा अच्छी बात कही, स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। जब साधुओं में हमारा आसक्ति हमारा उठना बैठना हो जाता है तो मोक्ष का द्वार जो है बिल्कुल ही खुल जाता है। इसके लिए क्या कहा, जो हम बात विवेक चूड़ामणि में या अन्य ग्रंथों में सब में कहते आए हैं कि जो लोग मुझमें अनन्य प्रेम करते हैं, परमात्मा कहते हैं अपने प्रेम करते हैं, वो संपूर्ण कर्म मुझे समर्पित कर देते हैं। गीता में भी यही कहते हैं कि प्रभाव से कर्म जो है मुझे समर्पित कर दीजिए, मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं, मेरों का कीर्तन करते हैं, मुझमें ही चित्त लगाए रखते हैं, उनको कोई भी संसार के ताप ऐसे भक्तों को सहनिकष्ट नहीं देते। एक बात यहां पर ये लिखा, उन्होंने कहा करना चाहिए कि सर्वसंग परित्यागी हैं, जो साधु साधु से वेश वाले तो अपनी जगह महत्वपूर्ण है लेकिन असली पहचान यह है कि मन से उसको कोई आसक्ति न हो, सब कुछ सर्वसंग परित्यागी हो, बिल्कुल वास्तव में ऐसे लोगों के संग की इच्छा करनी चाहिए। क्यों कि वो जो आपकी आसक्ति से उत्पन्न दोष जो है मैं यहां पर ही कुछ बात ये कहना चाहता हूं, यहां पर ये सत्संगति की महिमा, विवेक चूड़ामणि में जो मैंने कल भी कहा था आज भी कहता हूं कि तीन चीजें दुर्लभ हैं, मनुष्यत्व मनुष्य का होना जैसे हम सब लोग मनुष्य योनि में हैं, दूसरा मोक्ष की इच्छा होना मोक्षत्व, और तीसरा महापुरुष का साथ। हम सब लोग जो उसका एक प्रकार है। सत्संगति के बारे में एक मुझे श्लोक याद आता है, आप तो वैसे तरह तरह के सब महिमा पढ़ चुके हैं। भर्तृहरि एक राजा हुए, उन्होंने तीन ग्रंथ लिखे, श्रृंगार शतक लिखा, नीति शतक लिखा, फिर वैराग्य शतक लिखा। तो नीति शतक में उन्होंने सत्संगति के बारे में एक श्लोक लिखा है, उसका अर्थ उस श्लोक को मैं बताता हूं कि सत्संगति की क्या महिमा है। जन धियो सत्यम मानो नतिर करोति चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसम। इसका अर्थ ये हुआ कि अपनी बुद्धि को जड़ता को दूर करती है सत्संगति, वाणी में सच्चाई को सत्य को लाती है, हमारी मान को सम्मान की उन्नति को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है और हमारी कीर्ति सब जगह फैलती है। तो सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम, भर्तृहरि सत्संगति ऐसी है कि वो मनुष्यों के लिए क्या नहीं कर सकती। और
रामचरितमानस की चौपाई तो बड़ी प्रसिद्ध है, बार बार आप सब लोगों को याद ही है कि सत्संगति कथा किन्न कहते हैं, जो सत्संगति के बिना विवेक नहीं होता और वो सत्संगति बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं संता। बिनु सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। ये सत्संगति भी जो हम लोग कर रहे हैं भगवान की कृपा ही है। सुंदर कांड में इसीलिए कहलवाया विभीषण से जब हनुमान जी का साथ हुआ कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो सत्संगति की बात उन्होंने कही। अब सत्संगति करने में करने से मोक्ष मार्ग में हमारी श्रद्धा प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। पहले श्रद्धा होगी, प्रेम होगा और भक्ति आगे बढ़ेगी। जब लौकिक पारलौकिक चीजों में हमारे वैराग्य हो जाएगा तो हम जो भक्त जो है मनोनिग्रह का प्रयत्न करेगा, वो मन जो भटकता था एक जगह लगने लगा, और जब विषय त्याग कर देगा वैराग्य ज्ञान हो जाएगा उसको और मेरी भक्ति मुझ में सुदृढ़ हो जाएगी। तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये लिखी कि इस अंतरात्मा में ही, इस अंतरात्मा को इस देह में ही कर लेगा। यहां पर इशारा किया गया कि जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है आनंदमय परमात्म तत्व की जो प्राप्ति है वो इस देह में भी हो सकती है, देह रहते हुए भी हो सकती है, ये कहा। जब इतनी बात सब कही तो एक भूमिका बना दी उन्होंने, एक रुचि बढ़ा दी कि भाई हमको इस अध्यात्म योग मार्ग में जाना चाहिए। तो देवहूति ने ये किया कि भाई आप ये तो ठीक कह रहे हैं लेकिन मेरे जैसी अबला क्यों लिखा, ये इतनी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं या हम जैसे अज्ञानी लोग हैं वो ये ना समझें, इसके लिए कोई बहुत शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता है, केवल समझ की आवश्यकता है। तो उन्होंने देवहूति ने इसीलिए पूछा भाई हम जैसी जो अबलाएं हैं वो कैसे प्राप्त करें, आपका कहा हुआ योग कैसा है, कैसे इसे प्राप्त करेंगे। तो भगवान ने कहा देखो अब दोबारा से आगे बढ़ाते हैं, प्रकृति आदि तत्वों के कारण कपिल जी को सांख्य का कहने वाला इसलिए कहा गया कि उन्होंने पहले संख्या पर जोर दिया, जो संख्याएं बताई उसके ऊपर जोर दिया, इसलिए उन्हें सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कहा गया। देखो भाई कि जो इंद्रियां कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी स्वाभाविक वृत्ति है बाहर जाने की, जैसे कठोपनिषद में कहा गया पारांचिकानी व्यथिणत स्वयंभू, भगवान ने तो इंद्रियों की ऐसी प्रवृत्ति बनाई है कि बाहर की ओर जाए, लेकिन जो धीर पुरुष है वो इंद्रियों को अंदर लाता। जब हम मनोनिग्रह करने के लिए ये जान करके हमें भगवान में लगाना है, भगवान में लगा देते हैं, तो इस तरह से भगवान की ये प्रवृत्ति है कि जैसे हमारा खाना अंदर कुछ भी खाएं हम जठरा नल से, उसी तरह से है कि हमारे कर्म संस्कार रूपी जो भंडार हमारे पास हैं, कर्मों के फल रूपी, वो भी तत्काल समाप्त कर देते हैं भगवान, भगवान का ध्यान करते हैं। यहां पर ये कहा और ये भी कहा अब देखिए कि मेरे जो चरण कमलों का ध्यान करता है, मेरे विग्रह का जो ध्यान करता है, वो ऐसा उसका मन मेरी मधुरता में फंस जाता है कि वो दूसरी जगह जा नहीं और उस भक्त को परम। एक और बात भक्ति मार्ग के बारे में कही कि ऐसे जो भक्त होते हैं वो बैकुंठ इत्यादि या मोक्ष की इच्छा भी नहीं करते, वो तो ये केवल ये चाहते हैं कि बस भगवान के दर्शन होते रहे, भगवान के इष्ट देव हैं। और एक बात और कही, अब बात आती भक्ति की, तो मैं इस श्लोक को, इस लाइन को इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं, येषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु श्रीदो देवम इष्टम। क्या मतलब हुआ इसका कि भक्ति मार्ग में चाहे वो मुझे अपना प्रिय माने, चाहे वो आत्मा माने, चाहे वो बेटा माने, चाहे वो सखा माने, चाहे वो गुरु माने, चाहे वो मित्र माने, चाहे वो दैव माने, चाहे वो इष्ट माने, किसी भी तरह से मेरे से संबंध स्थापित करे, मेरे आश्रम में जो रहता है वहां पर वो अपने आनंद को प्राप्त करता है, यद्यपि उसको
कोई भोग की इच्छा नहीं होती ऐसे भक्त को, लेकिन वो उस लोक में जाता है जहां पर इन भोगों की कोई कमी नहीं है, उसको हर तरह का आनंद प्राप्त होता है। यहां को ये बात बिल्कुल ध्यान आती है कि विनय पत्रिका में ये लिखा था, एक जगह विनय पत्रिका भी मैंने वक्तव्य दिया था एक बार, तो वहां पर लिखा उन्होंने एक कि तोय मोहे नाते अनेक मानिय स्वभावे। तुलसीदास जी अपने इष्ट को कहते हैं कि हे भगवान, मेरे तेरे नाते तो बहुत अलग अलग हैं संबंध, चाहे तात मान लो, चाहे पिता मान लो, चाहे गुरु मान लो, चाहे सखा मान लो, चाहे दास मान लो, चाहे सेवक मान लो मुझको, चाहे आप स्वामी हैं, तो किसी भी तरह से संबंध स्थापित करना। तो भक्ति योग में क्या है, आप अपने परमात्मा से, इष्ट से, किसी भी तरह से उसको संपर्क स्थापित करना, संबंध मानना, जहां श्रद्धा और प्रेम आगे बढ़ी और संबंध में आपकी दृढ़ता हुई और आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, ये कहा। और ये भी कहा कि मैं मृत्यु रूप संसार सागर को परा पार करा देता हूं। भजंती अनन्या भक्त्या तान मृत्यु अति पारये। फिर कोई बात हमारे आदरणीय नेहरू साहब ने कही थी, गीता की बात कहते हैं तो गीता फिर वास्तव में आती, क्योंकि गीता पहले लिखी गई, महाभारत पहले लिखा गया, उसके बाद ये लिखा गया, और गीता में सारे उपनिषदों का सार है। वहां क्या लिखा, तेषाम, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, ये अर्जुन जो अनन्य भाव से मुझको भजते हैं, मैं उनको सागर, जो संसार सागर का मृत्यु रूपी संसार सागर है, उससे मैं पार करा देता हूं। अब आइए, अब वो अपनी बात पे आ रहे हैं धीरे धीरे कि मैं साक्षात भगवान हूं, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूं। ये महत्वपूर्ण शब्द है, सब प्राणियों की आत्मा हूं और मेरा आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा, जो मेरा बिना आश्रय लेने से, अगर मेरा आश्रय नहीं लेंगे तो मृत्यु रूप का भय का आपका छुटकारा नहीं मिलेगा। एक बात यहां पर दो लाइनें और कही जी जो हमें ये उपनिषदों से मेल खाती हैं कि कपिल जी यहां पर ये कह रहे हैं, भगवान जैसे श्री कृष्ण ने कहा गीता में, इसी तरह से यहां पर कह रहे हैं कि मेरे भय से ये वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से ही इंद्र वर्षा करती है, मेरे भय से अग्नि जलाती है, मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होती है। तो मैं जैसे आपको पहले निवेदन कर चुका हूं कि ये शास्त्र कुछ नहीं है, वेदोपनिषद साराम जाता भागवती कथा, वेद और उपनिषद के सार से ही बनी है, तो बिल्कुल यही पंक्तियां इसी आशय की कठोपनिषद में लिखी, वहां लिखा भयात अग्निस्तपति, उस परम तत्व के भय से अग्नि क्या अब तपती है, भयात तपति सूर्य, उसके भय से ही सूर्य चलता है, भयात इंद्रश्च वायुश्च, उसके भय से ही इंद्र वायु भी चलते हैं, अपने उसमें रहते हैं, मृत्यु धावती पंचमः, मृत्यु भी अपने कार्य में प्रवृत्त रहती है। कहने का अर्थ ये कि जो अनुशासन है, ईश्वर है शासन करने वाला, अनुशासता है वो परम तत्व, उसी के कारण ही सब के सब चल रहे हैं। इसमें कहा कि बस संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी काम यही है कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में स्थिर हो जाए। अब फिर तीव्र भक्ति योग की बात कही तो अब उन्होंने कहा भी भक्ति योग तो बताओ है क्या, भक्ति योगी भक्ति योग के लिए उन्होंने कहा कि देखो पहले मैं आपको प्रकृति के तत्व के अलग अलग लक्षण बताता हूं, जिससे कि आप ये जान जाए कि प्रकृति है क्या, और प्रकृति के जब तत्वों को आप जान जाएंगे और ये जान जाएंगे कि आत्मा उनसे परे है, तो आप मेरे ओर बढ़ेंगे, तब जब भक्ति योग से मेरी ओर बढ़ेंगे तब मेरी कृपा को प्राप्त करेंगे, मुझको प्राप्त करेंगे। तो पहले जो सांख्य वाली बात आती, संख्या से संबंधित है सांख्य, तो उन्होंने पहले प्रकृति के तत्वों को बताना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा देखो भाई, ये जो प्रकृति जिससे चलती है, प्रकृति का जो आत्मदर्शन ज्ञान है, इसी से मोक्ष प्राप्त होता है, हृदय की जो ग्रंथि है उसी से दूर होती है, अंदर अंतः में जो परमात्म तत्व है, स्वयं प्रकाश है, वो आपको तभी पता चलता है जब ज्ञान हो जाए सारे का सारा। होता यह है कि हम प्रकृति को अपनापन जोड़कर,
हमारे अंदर आवरण हो जाता है और अपने मूल तत्व को भूल जाता है जीव, ये कहा, कर्ता मानने लगता है अपने को। इस कर्तृत्व भाव से ही छूटना है। शरीर कार्य हुआ, कार्य हुई इंद्रियां, और कर्ता है उसके इंद्रियों के जो देवता जो हमें प्रवृत्त करते हैं, इन सबसे हमको प्रकृति से परे जो प्रकृतिस्थ हो रहा है वही पुरुष प्राप्त होता है, हमारे तत्व को प्राप्त होता है। तो जब उन्होंने प्रकृति के लक्षण कहे तब इसको समझ ले, संक्षेप में मैं कहता हूं कि जो पंचभूत पांच तत्व पृथ्वी अपतेज मरुद व्योम और इनकी पंचतन मात्राएं, पंचतन मात्राएं कौन सी हैं, इनके जो गुण हैं गंध रूप रस रूप स्पर्श और गंध, पंचतन मात्राएं, पंच महाभूत पंचतन मात्राएं और चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां, तो ये हो गए 24। जो 24 तत्व को समूह को प्रकृति का कार्य माना जाता है। तो अगर आप सांख्य को समझना चाहें तो ये कहेंगे कि प्रकृति के ये 24 तत्व हैं। अब इसके बाद इससे इन्होंने क्या कहा कि मन बुद्धि चित्त अहंकार से क्या होता है कि संकल्प करते हैं हम, तो निश्चय लेते हैं बुद्धि के द्वारा, चित्त में चिंता करते हैं, अहंकार में अभिमान रूप अहम तत्व जो मैं हूं ये अहम तत्व आता है। ये 24 के बाद कपिल जी कहते हैं 25वां तत्व भी होता है, कुछ लोग तो उसे पुरुष कहते हैं और कुछ लोग उसे काल कहते हैं, क्योंकि वास्तव में उसी काल से ही जो प्रकृति है सत्व रज तम साम्यावस्था प्रकृति कहा जाता है, सत्व रज तम की जब साम्यावस्था होती है प्रकृति होती है, काल से या पुरुष की प्रेरणा से जब उनमें भेद होता है तब यह प्रकृति बनी प्रारंभ होती है, ऐसा ये कहते हैं महातत्व। इसमें चित्त शक्ति का भी वर्णन किया कि चित्त शक्ति से जब वो संकल्प करते हैं तब यह महातत्व उत्पन्न होता है। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर आती है जो आगे चल के जो भक्ति योग में या विग्रह के रूप में जो देखते हैं उसको पहले बताया, आज मैं समझता हूं कि आज के वक्तव्य में किस तरह से हमको उपासना करनी है वो अगले वक्तव्य में आएगी, आज के वक्तव्य में केवल आ पाएगी जो बताने जा रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा। आपने 4 नाम सुने होंगे, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। संकर्षण कहते जो मनुष्य रूप में बलराम को, वासुदेव कहते हैं मनुष्य रूप में श्री कृष्ण को, प्रद्युम्न अनिरुद्ध उनके पुत्र जो हुए। तो इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की है, जब भी विग्रह में देवता अधिष्ठाता देवता के रूप में उनकी बात आए तो कपिल जी की ये बात यहां पर याद रखनी चाहिए, बड़ा स्पष्ट किया है इन्होंने। इन्होंने ये कहा देखो भाई कि आदि देवता के रूप में, आदि भौतिक भौतिक फिजिकली भौतिक रूप में क्या है और आदि के अंदर की, तो उन्होंने कहा देखो भाई ये जो चित्त है महातत्व जो है वो तो वासुदेव है, लिखा हुआ है इसके अंदर जो कपिल कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं, और जो अहम तत्व है वो संकर्षण है रुद्र के रूप में है। जब अध्यात्म के अधिष्ठाता इसका देखेंगे तो रुद्र है उसका अधिष्ठाता, और जो प्रद्युम्न है वो बुद्धि है वो ब्रह्म है, और जो अनिरुद्ध है वो मन है, वो मन हमारा आध्यात्मिक रूप से हो गया, अधिष्ठा देवता चंद्रमा हो गया, एक रूप में प्रद्युम्न हो गया। इसको बोलते हैं विग्रह चतुष्टय। 4 लोगों की जब ये वर्णन आता है कि 4 लोगों के बारे में आगे चल के 10वें स्कंद में श्लोक भी आएंगे, इनकी पूजा पाठ की बात, इनको नमस्कार की बात आएगी, तो यहां पर इन्होंने ये कह दिया कि ये जो प्रकृति बनती है इसको हम महातत्व को वासुदेव कह देते हैं, अहम तत्व को हम संकर्षण देते हैं, और बुद्धि को प्रद्युम्न और मन को अनिरुद्ध कहते हैं, ये हमारे स्पष्ट रूप से विग्रह चतुष्टय हुए जो हमें प्रकट होते। इसके बाद उन्होंने वही बात कहनी शुरू की, महत्व तत्व से जो पहले के आए हैं बार बार, वैकारिक चेतस तामस भेद से हमारी मन इंद्रिय पंच महाभूतों की हमारी उत्पत्ति होती है,
तरह तरह से हमारे जब इनमें विकृतियां होती हैं, तो ये कहा कि जो वृत्तियों के भेद से क्या होता है, संशय, निश्चय, स्मृति, निद्रा, ये सब चीजें बुद्धि के तत्व में होती हैं। कर्म जो है प्राण की शक्ति है और ज्ञान जो है बुद्धि की शक्ति है। इतना कहने के बाद अब तन्मात्राओं के बारे में वर्णन करते हैं, जो पहले भी हो चुका है वर्णन फिर करते हैं। संक्षेप में मैं बताता हूं इसको, संक्षेप में अगर मैं कहूं तो ये कहते हैं कि जो शब्द था वो आकाश का गुण है और इंद्रिय के रूप में श्रोत्र से संबंधित, इसे बार बार जान लेना चाहिए, बार बार ये बात नहीं। स्पर्श जो तन्मात्रा है उसका पंच महाभूत वायु है और त्वचा से संबंधित है, और रूप जो तन्मात्रा है गुण है वो तेज का है, अग्नि का, और नेत्र से संबंधित है, और जो रस जो तन्मात्रा है वो जल से संबंधित है, जिह्वा इंद्रिय से संबंधित, अंत में पृथ्वी तत्व जिसे कहते हैं पंच महाभूत, तो गंध तत्व है उसके अंदर पंच तन्मात्रा का, और वो प्राण से घ्राण से संबंधित है, नाक से। तो स्थूल रूप से इंद्रियां, उसके बाद पंच भौतिक रूप से चले जाइए तो पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं के बारे में उन्होंने सबको बताया। इतना बताने के बाद उन्होंने अब फिर वही सृष्टि की बात बतानी शुरू की जो कई बार वर्णन हो चुका है, कि जब सबरे सारे तत्व उन्होंने बना लिए, 24 तत्व, तो आपस में जब न मिल पाए तो काल अदृष्ट, चाहे समय कह लीजिए, यहां एक और लिखा कि भाई ये विक्षोभ होता क्यों है, तो उन्होंने कहा पुराने जो जीव पड़े हुए हैं उनके जो अदृष्ट हैं, उनके जो कर्म इत्यादि के फल हैं उसको प्राप्त कराने के लिए फिर ये सृष्टि रची जाती है, उस रूप में भगवान जो है वो विस्तार करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं। इन सबको जोड़ने के बाद उन्होंने सारे देवता जो है इसमें लिखा कि विराट पुरुष में अब प्रवेश करने लगे, विराट पुरुष में प्रवेश करने लगे लेकिन उसमें कोई जान नहीं आई, तो जान न आने के बाद उसमें ये लिखा संक्षेप में, आज के वक्तव्य को समाप्ति करते हुए मैं कहता हूं, इस विराट पुरुष की बार बार चर्चा हुई, शायद चौथी या पांचवी बार चर्चा हो रही, क्यों हो रही है ये भी समझ लीजिए। अगर आपको ध्यान होगा फिर मन्वंतर और ईश कथा है, तो सर्ग माने सृष्टि और विसर्ग माने सृष्टि का विस्तार, स्थान माने कहां पर हुआ, मन्वंतर मनु और जो चलाने वाले हैं मन्वंतर उनकी कैसे हुई, तो यही कथा आए, उसके बाद जाके निरोध और मुक्ति और आश्रय जो है सबसे बाद में इसका उद्देश्य है। तो यहां पर ये लिखा कि जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने हृदय में प्रवेश किया, उस विराट पुरुष जो भी 24 तत्व बनाए, सारे देवता जितने भी हैं सब उनके उनके देवता उसमें अपने किए और जुड़ नहीं पाए, तो जोड़ने की जो शक्ति थी वो जो परमात्म तत्व क्षेत्रज्ञ था उसने प्रवेश किया, तब तो उसकी सहायता से, क्षेत्रज्ञ की सहायता से वो विराट पुरुष में, और ये कहा कि भक्ति एकाग्रता के प्रकट होकर आत्मस्वरूप क्षेत्र को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। इतनी बात कहने के उपरांत अब प्रकरण शुरू होता है कि जब आप प्रकृति पुरुष का विवेक आपने जान लिया तो उससे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, और मोक्ष की प्राप्ति का साधारण करने के बाद फिर कहा उन्होंने कि मैं तुमको अब अष्टांग योग जो है वो भक्ति वाला, सभी अष्टांग योग है, सभी भक्ति योग है उसे बताता हूं। तो शुरू की लाइनों में ये कहा कि अगले वक्तव्य को मैं पूरा करूंगा बाद में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने जैसे कहा कि अभी तक तो आपको थ्योरेटिकल लग रहा है, आज भी सब थ्योरेटिकल रहा, अगले वक्तव्य में ये प्रैक्टिकल रूप में आएगा कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये कपिल जी ने कहा। तो आज की बात में उन्होंने अंत करते हुए ये भी कहा कि देखो भाई आत्मा तो वैसे अकर्ता है, निर्विकार है, जब प्राकृत गुणों से संबंध स्थापित कर लेता है तो मैं करता हूं ये भाव हो जाता है, ये बातें आप बार बार सुन चुके हैं, और बुद्धिमान मनुष्य को ये चाहिए कि विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य से अपने मन में लाए। एक बात फिर दोबारा याद दिलाऊं, अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, मन से देखो शुरू किया
मन के बाद 24 तक पुरुष पर आगे सजड़ है मन, और गीता में मन का निरोध करने के लिए क्या कहा, जब अर्जुन ने कहा भगवान ये मन कैसे काबू में आएगा, तो उन्होंने कहा कि अभ्यास न च कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, हे अर्जुन ये अभ्यास और वैराग्य से हाथ में आता है। तो ये इसने कहा, पातंजलि में भी एक सूत्र है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम का निरोध, अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है। तो इसमें लिखा है कि चित्त को भक्ति और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे वश में लाए, एकदम नहीं आता, शनि 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 इसका अभ्यास करना पड़ता है। और आगे कहते हैं कबीर जी कि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करने से मुझमें सच्चा भाव, देखिए तीन चार चीजें इसका, मुझमें सच्चा भाव रखने से, आप ऊपर से करते रहे प्रयास, अंदर से मन से भाव नहीं है तो कुछ नहीं होने का, मेरी कथा का श्रवण करने से जैसे हम लोग कर रहे हैं कथा का श्रवण, और प्राणियों में भाव रख, समता का भाव रखिए, किसी से वैर न कीजिए, त्याग कीजिए, ब्रह्मचारी मौन व्रत, स्वधर्म में जैसी इनकी स्थिति प्राप्त हो गई है प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसको प्राप्त लिए, परिमित संतुलित भोजन कीजिए, एकांत रहिए, शांत सबके मित्र बनिए, दयावान होइए, स्त्री पुत्रादि में मैं मेरे पिता जितना कम हो भाव आप रखिए, मिथ्या अभिनिवेश मत कीजिए, तो कहिए कि मेरा कर्मों का फल है अपने आप हो जाएंगे, अपना कर्म करके निकल जाऊंगा, नहीं देख वो शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा का साक्षात्कार अद्वितीय ब्रह्मपद प्राप्त हो जाता है। मैं आज ये सोच रहा था, कहते हैं परमात्मा को देखो तो कुछ बातें, कोई बात संस्कृत की याद रहे न रहे, छोटी छोटी बात याद कर लेनी चाहिए, जैसे ईशावास्य उपनिषद का बहुत छोटा सा शुरू का याद कर ले, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये भगवान का घर है, ये भी याद ना है तो आप लोग याद करके मन में चलो वासुदेव सर्वम इति, ये गीता में है कि सब कुछ वासुदेव है, या योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता है, सर्वम च मई पश्यति, सबको मुझे में देखता है, ये जो भाव है, ये भाव अगर मेरे से आपके सारे प्रकरणों में, सुखदेव से जैसे पूछा परिचित ने कि क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने वहां पर यही कहा था कि सत्मा सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, हरि को सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य सुनना चाहिए, कीर्तितव्य उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए और स्मरण करना चाहिए, ये तीन चीजें वहां पर कही। तो आज के प्रकरण में अभी थ्योरी की बात आई, अब कब देवभूति के संवाद में कैसे करें सबीच, ये अगले वक्तव्य में आएगा, तो मैं आज के वक्तव्य को यहां पर ही समाप्त करता हूं। ये बात समझ में आनी चाहिए, प्रकृति के 24 तत्व, 25वां तत्व पुरुष, मन इसका कारण है, मन का ही निग्रह करना है, भगवान में लगाना है, संभाव रखना है, परमात्मा को देखना है, ऐसा कपिल जी ने देवभूति के इस प्रकरण में शुरू के उपदेश की शुरुआत की। आगे चल के वो ये बताएंगे कि ये भक्ति योग कैसे, प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, वो क्या करनी चाहिए। मैं आज के वक्तव्य को आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए और अरविंद जी को स्पेशली 999 का 1000 में पहुंचेंगे संख्या में शुभकामनाएं देते हुए वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। भगवान हम सब पे कृपा करें। हो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पंडित साहब, आज आपने 999 और 888 के विषय में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोग अनम्यूट हैं, अब बाद में हमारे नायब साहब ही उसको पूर्ण करेंगे, बाद में जो शेष रह गया है, जिस किसी को जिज्ञासा हो तो वो आदरणीय आर्यन पंडित साहब से पूछ सकते हैं। वैसे तो कोई एक चीज पूछनी थी कि जो आपने एक जगह पे कहा कि मेरे ही भय से प्रकृति में ये होता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती, मेरे ही भय से जल बहता, मैं भी यही पूछने वाला था, ये भय का क्या अर्थ है सर? मैं भी यही पूछना, मैंने उसके बाद दरअसल आपने कह दिया मेरी तो खोपड़ी घूम गई, और मैं उसके बाद भय के तमाम तरह के अर्थ ढूंढने लगा गूगल पे इधर उधर, कि भय का कहीं कुछ और अर्थ जरूर होना चाहिए यहाँ पे। नहीं, दोबारा से पूछा, सुनाई नहीं पड़ा, क्या पूछना चाहते हैं? जो आपने कहा ना कि कपिल कह, भगवान कपिल कहते हैं कि मेरे भय से प्रकृति की सारी हाँ, हाँ,
वो तो ये भय क्या का है? क्या? मैं बताऊं, उसका प्रकरण मैंने इसलिए उठाया कि वो कठोपनिषद में भी सुनाता है। कहने का अर्थ यह है कि ये बताना चाहते हैं शास्त्र कि जो अनुशासन है वो परम तत्व का है, अपनी मर्जी से स्वेच्छाचारी तत्व प्रकृति नहीं है, उनके अनुशासन से चलती। तो उन्होंने यही कहा कि उसमें इस तरह को देखो वर्णन करने की शैली है। मैं जितने उपनिषदों में तरह तरह से पढ़ा हूं, वहां पर ये कहा कि भाई न तत्र सूर्यो भाति न नेवा चांद चंद्र तारका, वहां तो सूर्य भी नहीं जा सकता, चंद्र तारे भी नहीं जा सकते, और ये बुद्धि बुद्धि भी नहीं जा सकती, कोई नहीं जा सकती, ऐसी वो जगह है। एक शैली तो वो है। एक शैली ये है कि देखो भाई ये सब काम कर रहे हैं, शैली है कि भाई मृत्यु भी सब कुछ मेरे अंडर में है। मतलब कहना शास्त्र मेरे ख्याल से ये चाहते हैं ये एक बात करके कि जो परम तत्व है उसी के अधीन सब कुछ, ऐसा मैं समझता। अनुशासन से ही होगा फिर यहाँ, मतलब ये शब्द जो है वो लिख दिया यहाँ पे, और चूंकि यहाँ पर लिखा तो इसकी पुष्टि उपनिषद भी करते हैं, तो ये भी नहीं कह सकता कि भाई उपनिषद भी यही बात कहते हैं, हूबहू यही मंत्र उपनिषद में भी। तो वो एक ये भी अर्थ हो सकता है कि भाई प्रकृति की शरण में क्यों जाओ, मेरी शरण में आओ, सबसे सब कुछ इसी से चल रहा है। अच्छा एक बात और छोड़िए, वेद भी यही कहते हैं, ये देव रुग्रह पृथ्वी चतड़ा, जब उसी जिसके कारण पृथ्वी ये ना कहा यो अस्त में, तब तो सब कुछ उसी के कारण से दृढ़ है, सारी पृथ्वी सब कुछ बात। पंडित ये भी तो कहते हैं कि आदमी जो है शौक से या खौफ से काम करता है। सब करा रहे साउंड, पांडे जी साउंड बंद हो गए सर, आप लोग पांडे जी आप म्यूट है, आप म्यूट कर लीजिए। अरविंद जी ने क्या कहा था? मेरे खौफ से काम करते हैं। नहीं, मैं कह रहा मेरे नहीं कहा, मैं कहता आदमी शौक से या खौफ से काम करता है। पकड़ो ऐसे तो मैं रामचरितमानस की बात याद आ गई, बिन भय हो न प्रीत। एनी हाउ किसी भी तरह से जुड़िए और क्या है, सीधी सी बात है। चलिए साहब, कोई और किसी की जिज्ञासा हो तो ठीक है, नहीं तो धन्यवाद देंगे। मैं कहा चौधरी साहब कुछ सोच रहे हैं लगता है। चौधरी साहब तो भक्ति के बिल्कुल मार्ग वाले व्यक्ति, लेकिन आज कमाल कमाल ये हुआ कि मैं भी ये प्रश्न करने वाला था भय का और नैब साहब ने कर दिया ये। अब वो देखिए, जब शैली और बात एक ऐसी आती है तो लगता ही है कि भाई क्यों लिख दिया शास्त्र नहीं। मैंने इसको यहाँ पढ़ा तब मैंने, मुझे याद आया उपनिषद का, तो मैंने कहा भाई लिखा है तो ठीक ही लिखा है, हो सकता है लिखते लिखते उसको गोल मार्क किया हुआ, गोल मार्क, मैं कहीं भूल ना जाऊं ये प्रश्न। मुझे भय से क्यों कर रहा है, मुझे यही समझ आता है भय का, यहाँ भय से नहीं, अनुशासन से है कि हर चीज अनुशासित है, अनुशासन में चल रही है। शक्ति है या चित्र शक्ति है तो सब शुरू में हमारे वेद में भी पढ़ा है मैंने, तो सब जगह लिखते हैं कि एक अनुशासन है। ईश्वर, ईश्वर नाम क्यों दिया उसको? ईश्वर नाम इसीलिए दिया कि ईश है, सबका अधिष्ठाता है, सबको शासन करने वाला है, इसीलिए लिखा। आप अगर प्रकृति सूर्य चंद्र अपने नियम से नहीं, तो नियम से चलाने वाला कौन है? वो ऊपर वाला, तो शास्त्रों ने कह दिया भाई उसी के नियम से चलते हैं सब। जब प्रकृति की रचना ही उन्हीं से हुई, जी पूरी प्रकृति की रचना ही उनसे हुई है, तो फिर तो उनके इशारे पर ही सब कुछ चलेगा। इशारा का मतलब तो वही अनुशासन है, डर है, जो भी है। चलिए आदरणीय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे साहब। शर्मा जी की कभी कभी ना मेरे को एकदम से ही कैचेस मी अनअवेयर, तो आज शुरुआत में एकदम से इन्होंने, मैं कुछ इधर उधर देख रहा था, अचानक इन्होंने कहा कि तो उसमें श्रीमद भागवत पुराण को श्रीमद भागवत गीता कह गया
और मेरे इस छोटी सी गलती को पांडे जी ने इतने प्यार से पहले 888 समझाया, फिर 999 समझाया, फिर धीरे से उन्होंने कहा कि मेरा जो है आज का उद्बोधन श्रीमद् भागवत पुराण पे है, श्रीमद् भागवत गीता पे नहीं, वो अलग है। तो बहुत एक तरीका होता है कहने का, बिना भय के चीजों को समझाना जिसे कहा जाए। तो आज का जो था मुद्दा वही, या जिसे कहे सूत्र, तो यही था कि मन की स्थिति के ऊपर, मन की स्थिति से वहीं से उन्होंने प्रारंभ किया, अंत भी वही है कि जैसी मन की स्थिति होगी, जैसी मन की गति होगी, वैसे ही हमारे विचार होते जाएंगे, उसी तरफ हम चलते जाएंगे। अगर हमारी मन की स्थिति विपरीत परिस्थितियों की तरफ जाएगी, गलत चीजों की तरफ जाएगी, तो मन जो है वो जड़वत होता चला जाएगा और संसारिक भौतिक चीजों में चलता जाएगा। और वही अगर मन की स्थिति ईश्वर की तरफ हो गई, अध्यात्म की तरफ हो गई, योग की तरफ हो गई, तो ईश्वर के बहुत करीब होते चले जाएंगे। सच बात यही है कि अगर एक बार बार उसका बिल्कुल भजन कीर्तन में कह लीजिए, अध्यात्म में, योग में आनंद आने लगे, तो फिर किसी चीज में नहीं आता। लेकिन उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, जो मैं आप सोच रहा, जब आप बोल रहे थे कि जैसे कोई जाता है कहीं किसी डेथ वगैरह पे जाता है, तो एक कहते हैं ना मरघट संन्यास आता है, तो थोड़ी देर के लिए आता है, जैसे ही बाहर वापस आता है संसार में, तो फिर वही 99 के चक्कर घूमने लगता है। ऐसे ही हम जब कभी किसी कथा में बैठे, किसी प्रवचन में बैठे, या कहीं भजन कीर्तन में बैठे, तो बड़ा आनंद आता है कि साहब ईश्वर के बहुत करीब पहुंच गए, और बाहर निकलते फिर 99 के चक्कर में आंखें मटकाना, इधर उधर देखना, शरीर दिमाग इधर सब घूमना। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां पर हम वापस ना आ सके इन सब चीजों की तरफ, वही पहुंचना ही शायद मुझे लगता है कि ईश्वर की प्राप्ति। और एक बार उधर पहुंच गए तो वो एक जो सीमा एक होती है ना, एक लिमिट के पहुंचने के बाद फिर आप अंतरिक्ष से उस सीमा, इसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो गए पृथ्वी के, तभी आप अंतरिक्ष की ओर जा पाएंगे। इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पार पाने के लिए हमको जो शक्ति चाहिए, और अध्यात्म योग से ही आ सकती है। और आप इसी तरीके हम लोग को बताते रहिए, ताकि हम लोग अंदर अपने आप को और मजबूत करते रहें, और कहना जी ना अपने विचारों को करें, इच्छा शक्ति को दृढ़ कर सके। दृष्टिकोण तो हमारा स्पष्ट होता ही चला जा रहा है कि क्या करना है, लेकिन उसको कर सके, उसकी इच्छा शक्ति हम में उत्पन्न हो पाए, ये बहुत बड़ी बात है। आपके आज के बहुत सुंदर उद्बोधन रहा, हालांकि शुरू थोड़ा विलंब से हो पाया नेटवर्क की प्रॉब्लम से, लेकिन आप देखिए, मैं ये देख रहा था कि आपके आज के उद्बोधन को सुनने के लिए, चाहे वो 888 का, आपने शुरू में तो आपने 888 999 को बड़ा सुंदर समझाया, 999 की वजह से रहा हो, स्टार्टिंग मुझे लगता है जैसे 5-7 मिनट हो गए, पता नहीं कितने लोग बचेंगे, कुछ लोग बंद करके चले जाएंगे, बट इट स्टार्टेड विद अराउंड 12-13%। तो ये आपके वाणी का, आपके ओज और आपके प्रखर जो आपकी कहना चाहिए ज्ञान है, उसी का परिणाम है, तो देख के बड़ा अच्छा लगा था। तो आपके आज के उद्बोधन के सर बहुत 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 धन्यवाद। आभार, मुझे उत्साहित इसी तरह करते रहे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नैब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार साहब तो 3 बार उनके साथ समाप्त करते हैं, आज का विचार थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस विचार में जो पांडे जी ने सर समाप्त थोड़ा किया कल के लिए थोड़ा था और आगे, सर थोड़ा कल के लिए बता दीजिए, 1000वां है तो उसमें क्या विशेष विशिष्टता कल होगी, कल थोड़ा सा वो आप ही को कंडक्ट उसका। करना, सभी लोग आइएगा, अपने अपने विचार रखेंगे, कल और विशेष कार्यक्रम नहीं है सर, अच्छा सब लोग आइएगा, जो है सबको निमंत्रण है, सब लोग अपना चाय घर पे पीजिएगा, बाकी सब जहाँ से ध्यान नहीं दीजिएगा, बिल्कुल, उद्बोधन नहीं है, खाली सबके अपने अपने विचार हैं, बस ये बस वही। तो जो प्रकरण 999 प्रकरण चलिए हो साहब, जो मैं जो विचार कह रहा था वो जी। आदरणीय पांडे साहब ने कहा, एक वर्ड उन्होंने आत्मा का प्रयोग किया था, और नायब साहब ने कोई भगवान से मिलने का था, उसी पे थोड़ा सा एक विचार है, थोड़ा सा लंबा, जो ध्यान सुनिएगा। एक बार की बात है कि शरीर तथा आत्मा में परस्पर संवाद चला था, एक बार की बात है कि शरीर तथा आत्मा में परस्पर संवाद चला था। शरीर ने कहा मैं कितना सुंदर हूं, शरीर ने कहा मैं कितना सुंदर हूं, आकर्षक व बलवान हूं। आत्मा बोली तुम अपनी अपेक्षा मुझे अधिक सुंदर आकर्षक बलवान बना दो। थोड़ा वाह करते रहो। आत्मा वाह बोली वाह अभी वाह, सुनने बस आप अभी इसका सुनने ध्यान से दीजिए, आप सुनिएगा, तो ध्यान से सुनने में आगे वाह वाह आगे नहीं सुने ना, निकलेगी तभी तो बाबा सर, बोले। अच्छा आप ठीक है, ध्यान से सुनने दीजिए चलिए सर, बाद में वाह चलिए वाह करेंगे। ठीक है। आत्मा बोली तुम अपनी अपेक्षा मुझे अधिक सुंदर आकर्षक बलवान बना दो।
तुम्हारी ये विशेषताएं मेरे सुंदर हुए बिना क्षणिक ही हैं। तुम अपनी अपेक्षा मुझे अधिक सुंदर आकर्षक बलवान बना दो। तुम्हारी ये विशेषता मेरे सुंदर हुए बिना क्षणिक ही हैं। मुझे सुंदर बनाकर तुम भी शाश्वत सौंदर्य से युक्त हो जाओगे। किंतु शरीर की समझ में कुछ नहीं आया, ये शरीर की बात समझ में कुछ नहीं आया, वह आकर्षणों में उलझा रहा, वह आकर्षणों में उलझा रहा, जीवन समाप्त करता रहा। शरीर से आत्मा के अलग होने का समय आ पहुंचा, शरीर से आत्मा से अलग होने का समय आ पहुंचा। अब शरीर को ज्ञात हुआ कि यदि आत्मा को भी उसने सुंदर बनाया होता, शक्ति दी होती, तो उसका स्वरूप भी निखर गया होता। क्या बात है। अब यहाँ पकड़ा आपने, पकड़ी सही चीज, ये अब शरीर अच्छे को कर्म ज्ञात किए हुआ होते कि यदि हैं। आत्मा को भी उसने सुंदर बनाया होता, तो शक्ति दी तो उसका स्वरूप और निखर गया सुनो, होता। मरने के बाद भी उसे याद किया जाता। और सुनो, और चलते सुनो, समय आत्मा बोली, मैं तो जाती हूं। चलते समय आत्मा बोली, मैं तो जाती हूं। यदि तुम पहले ही से चेते होते, प्राप्त अधिकार का सदुपयोग कर अपने मन को सुंदर बनाते, तो अमर हो जाते, महामानव कहलाते। शरीर शुद्ध धुनता रहा, नया जन्म लेने आत्मा चली गई। समाप्त। बहुत सुंदर, इसमें वाह वाह नहीं है सर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। इसका बाबा नहीं भाव है, जो है बहुत सुंदर सर, भाव अगर ये शरीर संदेश और देता है, आत्मा का भाव है दोनों का आपस में, क्योंकि संदेश तो हम लोग संदेश है कि ज्यादातर, दो हम इंक्लूडिंग मी आल्सो, हम लोग शरीर पर ही ध्यान देते हैं उसको। और अगर थोड़ा सा जो आदरणीय पांडे साहब आत्मा का कह रहे थे, अगर उसको थोड़ा सा भी ध्यान दे, क्योंकि नहीं, शरीर पे तो ध्यान तो देना है। संतुल कपिल जी ने भी कहा, संतुलित भोजन कराओ, शरीर को स्वस्थ रखो, बहुत जरूरी है। वो तो इसके बिना मैं, वो तो शरीर, इंस्ट्रूमेंट है शरीर ना, का वो तो इंस्ट्रूमेंट है ध्यान बंदूक। ही नहीं हाँ, देते इंस्ट्रूमेंट सर, है, वो शरीर तो का इंस्ट्रूमेंट है। अहंकार यही को, यंत्र तो यही है, बंदूक शरीर की का नली को साफ अहंकार, करनी पड़ेगी सर, गोली चलाने के लिए। शरीर हाँ, का यंत्र तो अहंकार यही है, खत्म होता बंदूक है, को शरीर साफ। का अहंकार समाप्त होना चाहिए सर, अपने आप आत्मा हाँ, निकल बिल्कुल आएगी। बिल्कुल। चलिए आइए तीन ओम ठीक, का चंग ओ करते। शांति शांति शांति, शांति शांति, सबको प्रणाम, सभी को सबका प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम। शांतिरेव शांतिः सा।